ये दिन और ये समय दिया हम सबको कि हम सब एकत्रित होकर के प्रभु के नाम से, प्रभु के वचन से कुछ स्मरण करें और कुछ प्रभु के नाम में सीखें और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर आगे बढ़े। आज जो प्रभु ने वचन दिया है वो फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर 13 से है और हम कुछ दिनों से इसके बारे में पढ़ रहे हैं, अपने फैमिली में और मनन भी कर रहे हैं। और ये जो चैप्टर 13 है फर्स्ट कोरिंथियंस का, पहले कोरिंथियंस का, पौलुस जैसा हम जानते हैं कि उसने कोरिंथ के लोगों को ये पत्री, ये लेटर लिखा और उनसे बातचीत करी अपने इस पत्री के द्वारा। अगर जब हम इसको अध्ययन करते हैं तो 12वें अध्याय में जब हम पढ़ रहे हैं, 12वें अध्याय से इसको पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये जो 13वां अध्याय है ये 12वें अध्याय का ही कंटिन्यूएशन है। और दिस चैप्टर 13 रिफ्लेक्ट्स एंड एड्स टू व्हाट पॉल हैज जस्ट डिस्कस्ड इन फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर 12। एंड एज आई सेड दैट कि उसी का कंटिन्यूएशन लगता है। एंड चैप्टर 12, इन दिस चैप्टर 12 पॉल एड्रेसेस इंडिविजुअल स्पिरिचुअल गिफ्ट्स व्हिच कोरिंथियंस पीपल ऑफ कोरिंथ वर गिफ्टेड and he hopes to drown out the Corinthians high level of competition they hold with one another. वहां पर ऐसा जब हम 12वें अध्याय को पढ़ते हैं तो ऐसा समझ में आता है कि हम लोग बहुत सारे, उनको आशीषें मिली हुई हैं प्रभु के, मतलब वो टंग्स के बारे में हो या प्रोफेसी के बारे में हो, इस तरह से उन्हें बहुत सारे गिफ्ट्स मिले हुए हैं और उनमें बहुत कंपटीशन है कि मैं अच्छा हूं और या मैं अच्छा हूं, इस तरह का एक कंपटीशन है कोरिंथियंस, कोरिंथ के लोगों के बीच में। एंड लाइक द कोरिंथियंस आर वंडरिंग हुज स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आर ग्रेटर एंड बेटर देन द अदर्स, लाइक यू नो, इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश सम सॉर्ट ऑफ सुपीरियरिटी। बट पॉल फॉलोज अप देयर इंटेंशंस एंड क्वेश्चंस with chapter 13, which is like I said, which I feel is a continuation of chapter 12. और अगर इसको लगातार लिखा जाता chapter 13 ना देते हुए तो भी like लगता कि हाँ वैसे ही चल रहा है, chapter 12 ही चल रहा है। And Paul tells the people of Corinth that they need to love one another. And this is what chapter 13 is all about. प्रेम के बारे में, कलिसिया के प्रेम के बारे में है। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं बट जो हम बात करेंगे या मुझे जो अगुवाई मिली है वो कलिसिया में किस तरह का प्रेम होना चाहिए और हम एक दूसरे से किस तरह का प्रेम रखें उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। एंड इट इज नॉट लाइक वी ओनली लाइक शुड लव ईच अदर बट दे ऑल्सो शुड लव एवरीवन एल्स बिकॉज we all are children of God. That is what Paul tells people of Corinth. And the Corinthians are wondering whose gifts are more important or considered more spiritual. Paul is trying to tell them that all of their gifts are equally important. That is very important point. And in exercising their gifts, they should make sure that they are doing so with love seeping through their every action. और जो भी उनके गिफ्ट है उससे हर एक से प्रेम जो है वो पहले झलकना चाहिए। उनका गिफ्ट तो प्रभु की कृपा है उनके ऊपर, बट प्रेम उससे पहले, उनके उस गिफ्ट से पहले प्रेम झलकना चाहिए। और ये 13वां अध्याय जो है जिसके बारे में हम बातचीत करेंगे वो 3 पार्ट्स में आई फील कि वो डिवाइड किया हुआ है। वर्ड्स 1-3 जो है इट इज अबाउट सुप्रीमेसी ऑफ लव, इट टेल्स अस अबाउट सुप्रीमेसी ऑफ लव, प्रभुत्व,
जो प्रेम है वो उसकी प्रभुता के बारे में हम देखेंगे. और जो वर्स 4-7 है, we will see about description of love, or rather describing what love should be or what love it is all about. And verse 8-10 में हम देखेंगे permanence of love, प्रेम का स्थायित्व. इन तीन तरह से 13वें अध्याय को हम देखेंगे आज. पहला जो है, पहला वचन वो उसमें ऐसा लिखा है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्ग दूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ. Though I speak with the tongues of men and of angels and have not charity, I am become as sounding brass or tinkling cymbal. यहां पर हम इस वचन से ये देखते हैं कि वहां पर कोरिंथ के लोगों के पास परमेश्वर का ऐसा गिफ्ट है या वरदान इसको कह लें कि वो लोग कई भाषाओं में बात कर सकते थे. कई लोग वहां के कई भाषाओं में बात कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं बाइबल से जब पढ़ते हैं तो स्पीकिंग इन टंग्स. ये एक फ्रेज बहुत जगह इस्तेमाल हुआ है. तो अब वहां पर द कोरिंथियंस वर इनामर्ड विद स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, पर्टिकुलरली द गिफ्ट ऑफ टंग्स. पॉल रिमाइंड देम दैट इवन द गिफ्ट ऑफ टंग्स इज मीनिंगलेस विदाउट लव. विदाउट लव अ पर्सन मे स्पीक विद द गिफ्ट ऑफ टंग्स, but it is as meaningless as sounding brass or clanging cymbal. It is nothing but empty noise. खाली केवल वो ठन ठन करेगा. अगर प्रेम नहीं है और आप कई तरह की भाषाओं में बात कर रहे हैं और आप बोलते जा रहे हैं, लेकिन अगर आपके बोलने से प्रेम नहीं झलक रहा है तो वो सब खाली है. आपका आपके हृदय से कुछ नहीं निकल रहा, ये बताना चाहता है पॉल. एंड ही हु हैज नॉट द लव ऑफ गॉड एंड मैन फीलिंग हिज हार्ट इज लाइक एन एम्प्टी वैगन कमिंग वायलेंटली डाउन द हिल. जैसे ऊपर से कोई घोड़ा गाड़ी किसी पहाड़ से लुढ़का दी जाए और कैसे वो खड़खड़ाती हुई नीचे आ जाती है. तो बस ये उसी तरह की बात है. And there is nothing in it. और अगर बात करें tongues of men and angels, तो the ancient Greek word translated tongues has the simple idea of languages in some places when we look at the New Testament. इसी के संदर्भ में हम एक वचन देखेंगे Acts 2:11. हम सब परमेश्वर के आश्चर्यपूर्ण कामों को अपनी भाषाओं में सुन रहे हैं. और रेवलेशन 5:9 में भी हम देखते हैं कि वे एक नया गीत गा रहे थे. तो कुछ डिफरेंट लैंग्वेजेस के बारे में यहाँ पर इन वचनों में हम देखते हैं. और ये गिफ्ट जो है वहां के कोरिंथ के लोगों का था. नाउ दिस हैज लेड सम टू से दैट गिफ्ट ऑफ टंग इज सिंपली द एबिलिटी टू कम्युनिकेट द गॉस्पेल इन अदर लैंग्वेजेस, or it is the capability of learning languages very quickly. You can, like, if you have gift of other tongues, you can learn other languages very quickly. But the way tongues is used here in this verse, it can and usually does refer to a supernatural language by which a believer or we can communicate to God. Verse 1 here suggests that even the coveted gift of tongues was no better than the uproar of heathen worship if love was absent. भले हम दूसरी भाषाओं में आराधना और प्रार्थना करें, लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो वो आराधना और उस प्रार्थना का कोई मतलब नहीं है. और दूसरे वर्ष में, दूसरे वचन में हम पढ़ते हैं 13वें अध्याय के, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं
और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। एंड दो आई हैव द गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी एंड अंडरस्टैंड ऑल मिस्ट्रीज एंड ऑल नॉलेज एंड दो आई हैव ऑल फेथ सो दैट आई कुड रिमूव माउंटेन्स एंड हैव नॉट चैरिटी आई एम नथिंग। भैया योर पीपीटी इज नॉट मूविंग, इट इज स्टिल ऑन द फर्स्ट स्लाइड। दूसरा वचन पे है अभी हम लिंसन 13:2। या ओके 13:2 यू कैन सी। नो द स्लाइड इज स्टिल ऑन द फर्स्ट आई मीन फर्स्ट स्लाइड ओनली। ओनली द टाइटल इज सॉरी ओनली द टाइटल इज सीन ऑन द स्क्रीन। Nothing moves on the screen. One second, uncle. Can you see? Yes, now it is visible. Yes. 13:2? Yes. Now it has come. Yeah. Okay. Actually, I'm using two devices today, so maybe some technical challenge. But now I think it is fine. So, दूसरे जब वचन को हम पढ़ते हैं तो वहां पर पॉल लिखता है कि यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यहां पर पॉल जो कुरिंथियन के क्रिश्चियंस को जो समझाना चाहता है दैट लाइक ही वॉन्ट्स टू टेल दैट मोटिव and the goal of gifts and making them their own goal. Paul draws the attention back to love. Now here, I remember this verse, Matthew 17 verse 20. Yeshu ne unhe bataya, kyunki tumhe vishwas ki kami hai, main tumse satya kehta hoon, yadi tumhe rai ke beej jitna bhi vishwas ho, to tum is pahad se keh sakte ho, यहां से हटकर वहां चला जा और वह चला जाएगा, तुम्हारे लिए असंभव कुछ भी नहीं होगा। तो इस तरह का विश्वास एक व्यक्ति के पास हो कि मतलब वो अगर पहाड़ से गए कि तू यहां से हट जा और वो चला जाए, और लेकिन अगर उसके पास प्रेम नहीं है तो इस तरह का विश्वास भी बेकार है। पौलुस दूसरे वचन में यही कहना चाहता है। What an amazing thing it would be to have faith that could work the impossible. Yet, even with that kind of faith, we are nothing without love. And as we see in Matthew 17:20, a man, with that kind of faith which can move great mountains, but he will set them down right in the path of somebody else, or write on somebody else if he doesn't have love. Uska vishwas itna tagda hai, itna mazboot hai ki wo pahadu se keh de ki wo wahan se hat jaye, lekin agar us pe prem nahi hai to ye bahut sari iski sambhavna hai ki wo pahad kisi ke raste mein aa jayega ya fir ho sakta hai kisi ke upar hi ja gire. To prem itna zyada mahatvapurn hai, yahan par Paulus ye batata hai. Aur तीसरे अध्याय तीसरे वचन में हम देखते हैं 13वें अध्याय के, और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। एंड दो आई बेस्टो ऑल माई गुड्स टू फीड द पुअर एंड दो आई गिव माई बॉडी टू बी बर्न एंड हैव नॉट चैरिटी इट प्रॉफिटेड मी नथिंग। The most dramatic renunciation of self in the same way profitless without love. अगर आप त्याग की भावना को देखें, कोई जैसे हम कहते हैं कि भाई इनमें त्याग की बहुत भावना है, और वो ऐसे मशहूर है, अगर कोई व्यक्ति है वो इस तरह से मशहूर है, but if it is without love then
profitless. Paulus कहता है, it profited me nothing. मैं इस चीज को बार बार शायद दोहराऊंगा, रिपीट करूंगा, बट ये बहुत जरूरी है समझ लेना. और जैसा मत्ती के 19वें अध्याय और उसके 16 से 30 वचन में हम पढ़े, एक छोटी सी कहानी है वहां पर, एक बहुत अमीर जवान व्यक्ति और वो बहुत अमीर था और प्रभु यीशु मसीह उस जवान व्यक्ति के बारे में बताते हैं उस कहानी में और उससे कहते हैं कि तुम अपना सब कुछ छोड़ करके मेरे पीछे आ जाओ. उसको पहले समझाते हैं कि तुमने ये सारे गलत काम जो है वो नहीं करने. तो वो बोलता है कि मैं तो बचपन से ये सारे गलत काम नहीं कर रहा हूँ. और फिर जब उसको बोलते हैं कि तुम अपना सारा धन सारा वैभव छोड़कर मेरे पीछे आ जाओ, तो वो निराश हो जाता है. यहां पर मतलब आप एक अमीर व्यक्ति है जो उसको देखते हैं और उसको प्रभु बताते हैं, बट जैसे ही वो धन छोड़ने की बात करते हैं, दैट रिच यंग रूलर is not ready to leave that. So what I mean to say is it is not love. It would not have been no profit. It would have been no profit, of no profit. If we would have left everything, but it would have, without love, then there would have been no profit at all. So in this verse, it is also I read suggested by scholars, that Paul is stating that even if you give all your material possessions to those who are poor, that does not mean that you did it out of pure love. Also, Paul is saying that you can be persecuted and martyred for your faith, but still do so not out of love for others. And ending this section, Paul concludes his point with this verse that religious action is meaningless unless encompassed by agape. Agape, we have heard in the lockdown Bible study earlier also by Brother Shaji, by Brother Leslie as well. It is मतलब प्रेम की पराकाष्ठा है. अगर उसको शुद्ध हिंदी में बोले तो अगापे का मतलब है सबसे मतलब प्रेम, उसके ऊपर और कुछ भी नहीं है, वो इस तरह का प्रेम है. तो जब पॉल कहता है कि आपका अपनी धन दौलत सब कुछ छोड़ देना वो भी व्यर्थ है अगर आपके पास प्रेम नहीं है, तो वो भी व्यर्थ है. एंड इफ यू डू इट विद लव, देन इट इज एनकंपैस्ड बाय अगापे. और दूसरा एक और चीज हम इसी वचन में देखते हैं, Though I give my body to be burned, even if I lay my life down in dramatic martyrdom, apart from love, it is of no profit. Normally, no one would doubt the spiritual credentials of someone who gave away everything they had and gave up their life in a dramatic martyrdom. But those are not the best measures of someone's true spiritual credentials. What is the best measure? Love. Love is the best measure. There were some early Christians, I have read it at lot many places, and they were so arrogant as to think that the blood of martyrdom would wash away any sin. And they were so proud about their ability to endure suffering for Jesus. They thought it was the most important thing in the Christian life. But Paul says it is not most important. Without love, it profits me nothing. Even if it is done willingly, without love, the martyrdom also profits nothing. And many Christians believe the Christian life is all about sacrifice. Sacrificing your money, your life for the cause of Jesus Christ. Yes, sacrifice is important, no doubt. But without love, it is useless. It profits me nothing.
That is what Paul says. And that is what I feel is the right thing. Each thing described in 1 Corinthians chapter 13, verse 1 to 3 is a good thing. Tongues are good, prophecy and knowledge and faith are good, sacrifice is also good. But love is so valuable, so important, that apart from it, every other good thing is useless. Sometimes we make the great mistake of letting go what is best for something else that is good, but not the best. So, love is the best thing. Love is above all. So, what is more excellent way? Without love, all activity in the church is valueless. That is what we see in verse 1 to 3. Fluency and eloquence is valueless. Prophecy and knowledge is valueless without love. Faith is valueless without love. Benevolence is valueless. Hum kuch achha karna chahte hain, lekin prem nahi hai. Then also it is valueless. And martyrdom is also valueless if we don't have love. Now coming to verse 4 to 6, the second part of this chapter 13 is the description of love. Vivaran ya prem ki, prem ko describe kaise karna, how to describe love. Chauthe vachan mein hum padhte hain, prem dhirajvant hai aur krapalu hai, prem daah nahi karta, prem apni badai nahi karta aur phoolta nahi, vah anriti nahi chalta, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है. Love suffers long and is kind. Love does not envy. Love does not parade itself. Is not puffed up. Does not behave rudely. Does not seek its own. Is not provoked. Thinks no evil. Does not rejoice in iniquity, but rejoices in the truth. So here in verse 4 to 6, Paul tries to answer many questions. In fact, he answers many questions. And how can we know that we have love? Hamare andar prem hai ki nahi hai, ye hum kaise jaan sakte? What are the characteristics of love? हम दो तीन बातें इन वचनों में देखेंगे. दो बातें जो सबसे पहले हम देखते हैं, two things love is: long suffering and kind, patient, और हम उसको बोल सकते हैं कि धीरज धरने वाला और दया दिखाने वाला. Love suffers long and is kind. At the beginning, we see love is described by action words and not by lofty concepts. Paul is not writing about how love feels. He is writing about how it can be seen in action. True love is always demonstrated by action. And then we see love suffers long. Love will endure a long time. It is the hurt shown in God, when it is said of the Lord in 2 Peter chapter 3 verse 9. 2 Peter chapter 3 verse 9 says, "The Lord is not slack concerning his promise, as some count slackness, but is long suffering towards us, not willing that anyone should perish, but that all should come to repentance." प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह
कि सबको मन फिराव का अवसर मिले. इफ गॉड गॉड्स लव इज इन अस, वी विल शो लॉन्ग सफरिंग टू दोज हु अनॉय अस एंड हर्ट अस. अगर कोई व्यक्ति है, एक छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूं यहां पर, और वो अपने ओहदे में या अपने धन में बहुत बहुत बलवान है या शारीरिक रूप से बहुत बलशाली है और उसका कोई बुरा करता है, तो क्या वो उसका बदला लेगा? The man who is wrong and who easily has the power to avenge himself but will not do it out of mercy and patience. Do you avenge yourself as soon as you have the opportunity? मैं अपने बारे में सोचता हूं कि क्या मैं ऐसा करूंगा, और अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझ में प्रेम नहीं है. बहुत ही सीधी सीधी बात. अगर हम मौका ढूंढते हैं बदला लेने का तो हमारे अंदर प्रेम नहीं है, वो छोटी बात हो या बड़ी बात. और ये हमें दाऊद का भी स्मरण दिलाता है. दिस रिमाइंड्स अस ऑफ डेविड ऑल्सो एंड इट रिमाइंड्स हाउ सॉल वॉज आफ्टर हिज लाइफ. ऑल्दो डेविड गॉट द अपॉर्चुनिटी टू टेक रिवेंज एंड टू किल सॉल, but he did not raise his hands against the God's anointed. He suffered long. और पॉलुस भी हमें यही बताता है, long suffering. Be patient. धीरज धरे. तीसरी बात जो हम देखते हैं यहां पर, love is kind. When we have and show God's love, it will be seen in simple acts of kindness. और एक बहुत शानदार उदाहरण है अपनी काइंडनेस दिखाने का, या हम बच्चों से किस तरह से व्यवहार करते हैं या बच्चे हमें किस तरह से ग्रहण करते हैं. अगर हम किसी बच्चे के पास जाएं और वो हमें ग्रहण करे तो हमें पता चल जाएगा, या देखने वाले को पता चल जाएगा कि हाउ काइंड और हाउ अनकाइंड वी आर. So, if we have kindness, children will receive us with both arms. And again, यहाँ पर फिर से हम दाऊद की एक और बात को स्मरण करते हैं. जब उसने मेफीबोशेत को बुलाया, जो योनातन का बेटा था, और सेकेंड सैमुअल उसके नवे अध्याय, सेकेंड सैमुअल चैप्टर 9:3, मतलब पूरा अध्याय वो है इस छोटी सी बात के बारे में, इस लव इज काइंडनेस के बारे में. तीसरे वचन में हम पढ़ते हैं, दूसरे संगुल उसका नवा अध्याय उसके तीसरे वचन में पढ़ते हैं, राजा ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर किसी प्रीति दिखाऊं? सीबा ने राजा से कहा, हाँ, योनातन का एक बेटा तो है जो लंगड़ा है. मेफीबोशेत वाज स्पेशली एबल, मतलब यहाँ पर हिंदी में लिखा है वो लंगड़ा है. और हम पूरी कहानी जब पढ़ते हैं तो वो आता है जब मेफीबोशेत दाऊद के सामने, तो उसके सामने झुक करके खड़ा होता है. और साउल फिर 12वें वचन में हम पढ़ते हैं कि सीबा जो दाऊद का सेवक था, उसके परिवार के सभी लोग मेफीबोशेत के सेवक हो गए. मेफीबोशेत दोनों पैरों से लंगड़ा था. मेफीबोशेत यरूशलेम में रहता था. हर एक दिन मेफीबोशेत राजा की मेज पर भोजन करता था. दाऊद ने इतनी दया दिखाई, जबकि दाऊद चाहता तो उसको आराम से उसका नाश कर सकता था, लेकिन उसको अपनी मेज पर बिठाया. सब कुछ कंट्रोल में था, दाऊद के पूरी प्रभुता से उसके ऊपर दाऊद का कंट्रोल था, और वो किसी हर तरह से चाहता तो उसको खत्म करके उसका नामो निशान मिटा सकता था, लेकिन दाऊद ने
दाऊद जानता था कि शाऊल जो है वो प्रभु का अनॉइंटेड है और उसका, तो इसलिए उसने मपीबोशेत को बुलाया और उसको अपनी मेज पर बिठा करके खाना खिलाया और लगातार मपीबोशेत को वो अधिकार दिया। दिस इज वॉट यू नो व्हेन वी टॉक लव इज काइंड। और इन्हीं 4-13 अध्याय की फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर 13 उसके 4-6 में हम कुछ और बातें देखते हैं कि प्रेम क्या नहीं है। 8 थिंग्स, यहां पर 8 बातें हम देखेंगे। लव इज नॉट, लव पहली बात है, लव डज नॉट एनवी। प्रेम जो है डाह नहीं करता है। एंड एनवी इज वन ऑफ द लीस्ट प्रोडक्टिव एंड मोस्ट डैमेजिंग ऑफ ऑल सिंस। इट अकम्प्लिशेस नथिंग एक्सेप्ट टू हर्ट। केवल दर्द और चोट देने के अलावा अगर आप किसी से जलन रखेंगे, डाह रखेंगे, तो उसके अलावा लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं मिलने वाला। लव कीप्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एनवी एंड डज नॉट रिसेंट इट व्हेन समवन एल्स इज प्रमोटेड और ब्लेस्ड। समवन डिस्क्राइब्स अ हर्ट व्हिच डज नॉट एनवी। दे आर एवर विलिंग दैट अदर्स शुड बी प्रेफर्ड बिफोर देम। इज एनवी अ स्मॉल सिन? कुछ और वचन हम देखते हैं, हमें लगता है कि शायद लगता हो शायद कि जलन या डाह रखना बहुत छोटा अपराध है, लेकिन अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 4वां अध्याय और उसका 3-8 वचन पढ़ें तो हमें पता चलता है कि डाह की वजह से एबल का मर्डर हुआ, एबल को मार दिया गया। और उत्पत्ति की पुस्तक उसके 37वें अध्याय 37:11 में पढ़े तो डा से ही यूसुफ जो है वो गुलाम बनाया गया, बनवा दिया गया राधा। और सबसे बड़ी बात जो प्रभु यीशु मसीह को हम पढ़ते, प्रभु यीशु मसीह के विषय में पढ़ते हैं इस एनवी के संबंध में, उसका 27वां अध्याय उसका 18वां वचन हम पढ़ते हैं, फॉर ही न्यू दैट दे हैड हैंडेड हिम ओवर बिकॉज ऑफ एनवी। क्योंकि वह जानता था कि उन्होंने उसे डाह से पकड़वाया है, उसे जलन से पकड़वाया है। तो प्रभु यीशु मसीह जो पकड़वाया गया वो इसी एनवी के द्वारा, ये बहुत बड़ा पाप है। और ये प्रेम जिसके अंदर होता है उसके अंदर कभी भी डाह नहीं हो सकती, ये पॉलिस यहां कहना चाहता है। मेनी पर्संस कवर अ स्पिरिट ऑफ एनवी एंड अनचैरिटेबलनेस विद द नेम ऑफ गॉडली ज़ील एंड टेंडर कंसर्न फॉर द सेल्वेशन ऑफ अदर्स। दे फाइंड फॉल्ट विद ऑल, देयर स्पिरिट इज अ स्पिरिट ऑफ यूनिवर्सल फॉल्ट फाइंडिंग। नन कैन प्लीज देम and everyone suffers by them. These people destroy more souls by tithing mint and cumin. मत्ती उसका 23वां अध्याय उसका 23वां वचन अगर हम पढ़े तो वहां पर लिखा है कि तुम ये जीरा और ये पुदीना इसका 10वां तो देते हो, लेकिन जो व्यवस्था की और सीरियस बातें हैं उन पे ध्यान नहीं देते। ये बहुत जरूरी है कि हम डाह और जलन ना रखें, क्योंकि जिसके अंदर प्रेम है वो उसके अंदर ये बातें नहीं हो सकती। दूसरी बात हम देखते हैं, लव डज नॉट परेड इटसेल्फ। लव इन एक्शन कैन वर्क एनोनिमसली कैन एंड इट डज नॉट हैव टू हैव द लाइमलाइट और द अटेंशन टू डू अ गुड जॉब or to be satisfied with the result. Love gives because it loves to give. Not out of the sense of praise it can have from showing itself off. Sometimes the people who seem to work the hardest at love are the ones the farthest from it. They do things many would perceive as loving, yet they do them in a manner
दैट वुड परेड इटसेल्फ. दिखावे दिखावा करते हैं लोग कि हम प्रेम करते हैं. दिस इज नॉट लव. ये प्रेम नहीं है. इट इज प्राइड लुकिंग फॉर ग्लोरी बाय द अपीयरेंस ऑफ लव. प्रेम का मतलब प्रेम दिखाने के लिए अपने को वो बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं कि वो बताना चाहते हैं कि हाँ, बट वो उस चीज का जो है वो प्रदर्शन कर रहे. तो प्रदर्शन करना किसी भी चीज का प्रेम नहीं. तीसरी बात हम देखते हैं, लव इज नॉट पफ्ड अप. टू बी पफ्ड अप इज टू बी एरोगेंट एंड सेल्फ फोकस्ड. सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना और भूल जाना. इट स्पीक्स ऑफ समवन हु हैज बिग हेड. लव डज नॉट गेट इट्स हेड स्वेल्ड. इट फोकसेस ऑन द नीड्स ऑफ अदर्स. प्रेम जो है वो दूसरों के बारे में हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में प्रेम वो है. और ये दोनों बातें, बोथ टू परेड इटसेल्फ एंड टू बी पफ्ड अप, आर सिंपली रूटेड इन प्राइड. ये सब घमंड है. अमंग क्रिश्चियंस द वर्स्ट प्राइड इज स्पिरिचुअल प्राइड. प्राइड ऑफ फेस इज ऑब्नॉक्शियस. हम बहुत सुंदर दिखते हैं, ये घमंड. और प्राइड ऑफ रेस इज वल्गर. हम बहुत ऊंची जाति के हैं, ये तो बहुत ही घृणित बात है. बट द वर्स्ट प्राइड इज प्राइड ऑफ ग्रेस. सबसे जो खतरनाक बात है वो ये है, द वर्स्ट प्राइड इज प्राइड ऑफ ग्रेस. और एक छोटी सी कहानी याद आती है, बहुत सभी लोगों ने शायद विलियम कैरी का नाम सुना होगा. विलियम कैरी एक ऐसा नाम है जो फाउंडर थे मॉडर्न मिशनरी मूवमेंट के. और आज लाइक यू नो टुडे क्रिश्चियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड नो हु ही वाज एंड ऑनर हिम. उनको बहुत सारा आदर देते हैं. और वो बहुत ही निम्न स्तर से आए थे. उनके बारे में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ही वाज अ शू रिपेयर मैन. And he came from a very humble place. He was a shoe repair man when God called him to reach the world. और एक बार की बात है कि विलियम कैरी को एक डिनर में बुलाया गया. और वहां पर एक बहुत ही घमंडी रिच मतलब अमीर आदमी था. और वो विलियम कैरी वो उसने विलियम कैरी के बारे में सुना था. और एंड दैट रिच मैन ट्राइड टू इंसल्ट हिम. और एंड इन दैट पार्टी इन दैट डिनर ही कॉल्ड आउट वेरी लाउडली, मिस्टर कैरी आई हियर यू वंस वर अ शू मेकर. अब आप समझो कि मतलब किसी भी एक गैदरिंग में जहां पर 150-150 लोग खड़े हों और कोई आपको इस तरह से बुला करके कहे कि आप तो, मैंने सुना है कि आप तो जूते बनाते हो, बनाते थे, तो आप किस तरह का विचार आपके मन में आएगा. लेकिन कैरी साहब जो है, विलियम कैरी ने रिप्लाई किया. ही रिप्लाइड, नो योर लॉर्डशिप, नॉट अ शू मेकर, ओनली अ कॉबलर. मैं शूमेकर नहीं हूं, मैं तो एक मोची हूं. तो वो उन्होंने अपने आप को इतना हम्बल किया, इतने हम्बल तरीके से प्रेम से उस चीज का जवाब दिया कि सभी लोग वहां नतमस्तक हो गए. और आज हम जानते हैं कि विलियम कैरी को पूरी दुनिया में जाना जाता है, लेकिन उस अमीर आदमी का कोई भी पता नहीं. हिज लव शोड इटसेल्फ इन नॉट हैविंग अ बिग हेड और अ बिग माउथ अबाउट हिमसेल्फ. हमें बड़बोलापन नहीं करना चाहिए, हमें बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहिए. ये है प्रेम. चौथी बात जो हम देखते हैं, लव डज नॉट बिहेव रूडली. वेयर देयर इज लव देयर विल बी काइंडनेस एंड गुड मैनर्स. परहैप्स नॉट इन द स्टफी लाइक नो हाउ कल्चर्ड आई एम एंड यू नो लाइक द वे ऑफ शोइंग मैनर्स. But in the simply way, people do not behave rudely. Those who have love
in themselves, they do not behave rudely. Love does not seek its own. Panchvi baat jo hum dekhte hain. And what we see is like, you know, Paul communicates the same idea in Romans 12, chapter 12, verse 10. Romans 12:10 says, in honor giving preference to one another, paraspar aadar karne mein ek dusre se bad chalo, ek dusre ka aadar karne mein aage badhe raho. And also, Philippians chapter 2 verse 4 carries the same thought. Let each of you look out not only for his own interest, but also for the interest of others. Har ek apne hi hit ki nahi, varan dusron ke hit ki bhi chinta kare. Hame apni chinta nahi karni, hame auron ke bare mein bhi chinta karni hai. And this is like, you know, being like Jesus in most basic way. Agar Prabhu Yeshu Masih ka charitra chitran kare, to Prabhu Yeshu Masih ka hame chitra yaha dikhai padta hai. Because he was always other-centered person. Prabhu Yeshu Masih ka jo pura manushya ka jeevan hum dekhen, he was never a self-centered person. He was always other-centered. So, panchvi baat, love does not seek its own. Chhatvi baat, love is not provoked. Main jab corporate isme apne career ki baat karta hu to maine bahut basic se sales executive se shuruaat kari. और शुरू में बहुत सारी गलतियां तो आज भी होती हैं, लेकिन अब आज थोड़ा सा आप लॉकडाउन के पहले तक, जब तक मैं जॉब में था, बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस, तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस आते आते ओहदा भी बढ़ गया और सारी चीजें बढ़ गई. बट मुझे याद है कि जब गलतियां होती तो मेरा बॉस जो है वो मुझसे हमेशा कहता था, डोंट प्रोवोक मी राजीव. और मैंने भी जब अपने बॉस को इस तरह से बात करते देखा तो वो चीज अनायास, मैं शायद नहीं चाहता तो बोल, लेकिन अनायास वो मेरे अंदर आ गई. और जब मेरे को टीम मिली तो मैं भी अपने टीम मेंबर्स को, जब वो ना चाहते हुए भी गलतियां कर देते थे या कभी जानबूझ के भी करते थे, तो मेरे मुंह से भी यही निकलता था कि डोंट प्रोवोक मी, और मैं उस बंदे का या उस लड़के का नाम लेता था. But love is not provoked. We all find it easy to be provoked or to become irritated with those who are just plain annoying. और सही बात है, फालतू में अगर कोई परेशान करता है तो हमारे irritation होता ही है, हम provoke हो जाते हैं. But it is a sin to be provoked and it is not love. Paulus हमें बताता है. और अगर हम पुराने नियम में देखें तो मूसा जो है वो इसीलिए प्रॉमिस्ड लैंड से दूर रहा, बिकॉज ही वॉज प्रोवोक्ड, ही बिकेम प्रोवोक्ड एट द पीपल ऑफ इज़राइल. गिनती नंबर्स चैप्टर 20 2 से 11 अगर हम पढ़े तो वहां पर हमें पूरी ये कहानी पता चल जाती है. सातवीं बात, लव थिंक्स नो इविल. प्रेम जो है कभी भी बुरा नहीं सोच सकता. अगर हमारे अंदर प्रेम है तो हम कभी भी किसी का बुरा नहीं सोच सकते. एंड लिटरली दिस मीन्स लव डज नॉट स्टोर अप द मेमोरी ऑफ एनी रॉन्ग इट हैज रिसीव्ड. लव विल पुट अवे द हर्ट्स ऑफ द पास्ट इंस्टेड ऑफ क्लिंगिंग टू देम. अगर हमें कभी चोट लगी है किसी बात से या किसी वजह से, तो अगर हमारे अंदर प्रेम है तो हम उस चीज से आगे बढ़ जाएंगे, उस पे उस चीज को पकड़ के नहीं लटकेंगे. ये है प्रेम. और आखिरी बात जो हम देखते हैं, जो प्रेम नहीं चाहता है, वो ये है, लव डज नॉट रिजॉइस इन इनइक्विटी. लव रिजॉइसेस इन द ट्रूथ एंड लव कैन ऑलवेज स्टैंड विद एंड ऑन ट्रूथ.
प्रेम जो है वो सच्चाई पे हमेशा खड़ा रहेगा, प्रेम कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा, बिकॉज लव इज प्योर एंड गुड लाइक ट्रूथ। आगे बढ़ते हैं, हम प्रेम के डिस्क्रिप्शन के बारे में देखेंगे, प्रेम के विवरण के बारे में देखेंगे थोड़ा सा विस्तार से, प्रेम किस तरह का होता है। पौलुस कहता है वो सब बातें सह लेता है, सातवां वचन, पहला कुरिन्थियंस चैप्टर 13 उसका सातवां वचन, वो सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है, bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things, all things, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बाकी है, all things itself is self-explanatory. We might have hoped Paul would have chosen any phrase, but this all things covers everything. We can all bear some things, we can all believe some things, we can all hope some things, we can all endure some things, but God calls us Father and deeper into love for Him, for one another and for perishing world. And love bears all things. The word प्रेम कैन ऑल्सो बी ट्रांसलेटेड कवर्स, प्रेम सब कुछ ढांप लेता है, सारी गलतियों को भी ढांप लेता है अगर प्रेम है हमारे अंदर। एंड लाइक ईदर वे पॉल ब्रिंग्स एन अनइम्पॉर्टेंट ट्रूथ अलोंग विद दिस, एज वी रीड इन फर्स्ट पीटर चैप्टर 4:8, एंड अबव ऑल थिंग्स हैव फर्वेंट लव फॉर वन अनदर, for love will cover a multitude of sins, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढाप देता है। भाइयों बहनों, एक हम सभी जानते हैं मोती के बारे में, ऑयस्टर पर्ल, ये बहुत दर्द भरा, जब मोती बनता है तो बहुत ही जो जानवर जो जीव होता है जिससे मोती बनता है उसको बहुत दर्द होता है इस मोती बनने के प्रोसेस में, लेकिन वो उस दर्द को सहता है और अपनी शेल के अंदर उस मोती को बनने देता है, क्योंकि जब ये प्राणी जो उस शेल के अंदर घुसता है तो असहनीय दर्द होता है उसको। एंड that we could do so with the provocations we receive from our fellow Christians. हमें भी दर्द होता है जब हमें अपने किसी भाई से या किसी से भी इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं जो हमें चुभती हैं, तो दर्द हमें भी होता है, but वो मोती उसी दर्द से बनता है जो वो प्राणी झेलता है अपने शेल के अंदर। So that pearls of patience, gentleness, long suffering, and forgiveness might be bred within us by that which has harmed us. जो चीजें हमें तकलीफ देती हैं, उसी से हमें ये प्रेम का मोती बनाना है। और बातें बहुत सारी हैं, but when I look at the time, so the time is the watch says the time is over, so we'll continue with this whenever I'll get the opportunity or I'll be given the opportunity. There are few more things which I would like to share, lekin prabhu ka prem jo hai wo sarvopari hai, aur paulus hame yahi batata hai, aur prabhu ka prem हम सब में बना रहे, इस बात से मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। लिंसन, कैन यू टेक इट फॉरवर्ड प्लीज? या रिक्वेस्ट नवीन टू प्रे एंड देयर आफ्टर वी विल हैव द क्विज। ऑन द
अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचनों से सिखाया प्यारे पिता परमेश्वर, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रेम क्या है और